सो गाइस अब यहाँ से निकल तो चुके ही हैं, गाड़ी में बैठ चुके हैं, बस मैप एक बार सेट हो जाए कि कहाँ जाना है। अभी आबू के लिए तो जाना है, बट कौन से रूट से जाना है वो फिक्स हो जाए, उसके बाद फटाफट यहाँ से निकलते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट हो गया। चलो चलो फटाफट, ओके स्टार्ट कर दूँ? स्टार्ट तो करना पड़े ना। ठीक है गाइस, तो फटाफट अब निकलते हैं और आप लोगों को मिलते हैं डायरेक्ट अंबाजी। अगर प्रंजीत करके हिम्मत प्रंजीत से हिम्मत नगर की साइड जा रहे हो अगर हाईवे से, तो यहाँ थोड़ा ध्यान से चलाना क्योंकि ऐसे जो जानवर है ना ये रोड पे बहुत ज़्यादा आते हैं, तो थोड़ा स्लो और थोड़ा ध्यान से चलाना कभी भी देख के। ये साइड अगर अंबाजी साइड जा रहे हो तो ये हिम्मत नगर वाले रूट पे जिससे अभी हम लोग जा रहे हैं, अगर ये साइड से आ रहे हो तो थोड़ा ध्यान से जाना। ठीक है, हाईवे पे बहुत सारे जानवर मिलते हैं, कभी भी अचानक से आ गए ना तो खत्म हो जाएगा, समझ रहे हो। सो गाइस फाइनली पहुंच चुके हैं हिम्मत नगर, देख लो हिम्मत नगर कुछ ऐसा दिखता है। ठीक है, बाद में मेरे को मत बोलना कि भैया हिम्मत नगर दिखाया नहीं, ये पेट्रोल पंप है, यहाँ पेट्रोल भरवा लेना हिम्मत नगर में आना, तो बोलो चुभा केसरी दाने दाने में केसर कदम। ये लो जो दोस्तों हम लोग आ चुके हैं अपने गाँव यूपी, सोनी क्लिनिक भी आ गया है। ठीक है, पहुंच गए हैं, इडोल इडोल करके है ऐसे अभी मेरे जान पहचान वाले यहाँ नाश्ता पानी करवाएंगे। इडोल पहुंच चुके हैं, इडर सॉरी इडर 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 माफ कीजिएगा गाइस, मेरी जुबान फिसल गई, मेरी मुंह इडर इडर पहुंच गए हैं, अब आगे के लिए निकल रहे हैं अंबाजी। हमको फटाफट पहुंचना है और उसके बाद हमको आबू भी जाने का है, माउंट आबू, वहाँ पे आज रात को स्टे करना है। अगर ऐसा लगेगा तो ऊपर थोड़ा जाएंगे रात में ताकि थोड़ा मज़ा हो जाए, देखेंगे कैसा क्या टाइमिंग रहता है, अभी पहुंच जाए फिर उसका डिसाइड करें क्या क्या करना है आगे। गाइस एक ऐसे ही नाश्ते के शॉप पे रुके हुए हैं, इन्होंने पेंडा खा लिया चोरी चोरी, ये भाई को कुछ नहीं खिला रहे, अनिल भाई को कुछ नहीं खिला रहे हैं, देख लेना आपने पापा को दिखा देना ये कुछ बोले तो फटाक से। ठीक है, व्लॉग में सबूत है, ये गुलाब जामुन उतने वैसे लग नहीं रहे इसके लिए नहीं खा रहा हूँ, बाकी चाय के लिए बोल दिया है, अभी चाय आता है उसके बाद पी के फिर हम लोग यहाँ से निकलेंगे आगे की ओर। ठीक है, अब ज़्यादा दूर नहीं है, समथिंग 60 किलोमीटर जितना है अंबाजी, अंबाजी से फिर आबू रोड जाएंगे, वहाँ पे देखेंगे विचारेंगे क्या करना है कैसे करना है, फिर आप लोगों को मिलेंगे। सो गाइस आ चुके हैं पानी पूरी खाने, अब हमको ये एक प्लेट में हम तीनों खाएंगे, यहाँ से इसमें खाने से प्यार बढ़ता है। ठीक है, ये रही पानी पूरी। सो गाइस पानी पूरी खाओ के हो गया है, अब पीते हैं चाय। पूछना काका से बन गया क्या चाय? चाय पीते हैं और उसके बाद आप लोगों को मिलते हैं। काका ने एकदम प्यारी सी चाय बना दी इनके में, मस्त वाला चाय बना दिया है काका ने, पीते हैं। जय और से बीजा बीजा उधर रख दो काका भी एकदम मजेदार इंसान है, थैंक यू काका। थोड़ी सी डालना कॉफी, मिल गई अपनी चाय। अरे मक्खी, मक्खी पी रही थी चाय वीडियो में गिरी थी
गाइस फाइनली यहां से होटल आशीर्वाद से अब निकल रहे हैं, ठीक है। अब यहां से निकल रहे हैं आबो की तरफ। अब देखते हैं कितना टाइम लगता है। बज गया है 5:15। सो मेरा घड़ी, हाँ 5:15 है ना, 5:15 हो चुका है। अब देखते हैं कितने टाइम तक पहुंचते हैं। गाइस हो चुकी है रात और अभी बज रहा है 6:20, ठीक है। और रात एकदम फील होने लगी है हमको, फील होने लगी, क्या हो ही गई है, फील क्या हो रहा है। और अभी अंबाजी बाकी है 9 किलोमीटर, 9 किलोमीटर और अंबाजी रह रहा है, उसके बाद हम जाएंगे आबू रोड। ऐसा सोच रहे हैं कि अभी शायद नीचे रुक जाएंगे, बट देखते हैं क्या कैसे करेंगे। पहले अंबाजी तो पहुंचे, उसके बाद फिर देखेंगे क्या करना है। सो गाइज वी हैव इंटर्ड इन अंबाजी। अंबाजी का गेट पीछे गया और हम लोग अंबाजी के अंदर इंटर कर चुके हैं। अब ये अंबाजी का वो चल रहा है, देख लो, वेलकम टू अंबाजी, वेलकम टू अंबाजी, ठीक है। अंबाजी में घुस चुके हैं और अभी हो रहा है 6:25 समथिंग, ठीक है। तो देखते हैं अभी क्या करना है क्या नहीं है। सो गाइज वी हैव इंटर्ड राजस्थान, राजस्थान में हम इंटर कर चुके हैं और अभी धीरे धीरे हम लोग जा रहे हैं। हाँ हाँ वाइन शॉप आ गया ना, देख लो, अब तो कोई कुछ बोल ही नहीं सकता है, समझ रहे हो। राजस्थान में इंटर कर चुके हैं, अब आबू रोड के पास जाते हैं। आबू रोड पे जाके फिर हमारे फ्रेंड को फोन करते हैं, देखते हैं क्या है, कैसा है सिचुएशन, उसके बाद उस हिसाब से करेंगे। हाय आई एम अच्छा। सो गाइस पहुंच चुके हैं हम लोग बाबू रोड। ये यहाँ पे थोड़ी देर रुके थे, मैप पे देख रहे थे कि कहाँ रुकना है हमको। अभी हमने होटल वगैरह कुछ बुक किया नहीं है, बस इतना पता है कि हम लोग ऊपर जा रहे हैं, जाके देखते हैं क्या है क्या नहीं है। अभी ऊपर पहुंच के पता चलेगा कि कैसे होगा कैसे नहीं होगा सारी चीज़ें, समझ रहे हो। तो चलते हैं ऊपर और आप लोगों को बताते हैं। सो गाइस फाइनली हम लोग एक होटल पे रुक चुके हैं अभी, होटल राज पेवर वेज है। अभी यहाँ पे थोड़ा खाना वाना खाएंगे, और क्योंकि अभी बज रहे हैं 7:30 और ऊपर जाते जाते समथिंग 8:30 जितने हो जाएंगे। अभी खाना खाने में हमको टाइम लगेगा ना, तो खाना वाना खाते हैं, अपनी गाड़ी यहाँ पार्क कर दी है हम लोगों ने, खाना खाते हैं उसके बाद आप लोगों से मिलते हैं। तो लो जी आ गया हमारा, ये मिक्स वेज है और ये कौन सा, ये पनीर हांडी है, पनीर हांडी मिक्स वेज। और उसके बाद ये आ गया अपना तंदूरी रोटी विथ बटर, सलाद आ गया है और सब रेडी हो चुके हैं खाने के। तो गाइस खाना वाना हो चुका है एकदम डन, खाना पीना खा लिए हैं और जहाँ खाए हैं ये राज में यहीं हम लोग रूम ले लिए हैं और यहीं सो जाएंगे हम लोग अभी। और हमको रूम का यहाँ चार्ज पड़ा है, मतलब थोड़ा बड़ा रूम है जिसमें 3 बेड हैं और उसके बाद एक नीचे गादला डाल के हम लोग सो जाएंगे, उसका हमको 1200 रुपये पड़ा नॉन एसी का। और बाकी जो एक और दिखा रहे थे वो 1000 रुपये का था, बट वो थोड़ा रूम छोटा था, थोड़ा कंजेस्टेड हो जाता ज़्यादा, इसके लिए हम लोगों ने लिया थोड़ा बड़ा वाला ताकि हम लोग वो हो पाए। तो रूम भी ले लिया है, सब कुछ एकदम रेडी है, बस अब आए हैं यहाँ पे सामान वामान निकालेंगे और उसके बाद ऊपर शिफ्ट हो जाएंगे फटाफट और आराम करेंगे, और कल सुबह 12 बजे तक आराम से ऊपर जाएंगे, फिर इंजॉय करेंगे वहाँ पे ऊपर जाके, ठीक है। सो गाइस तो यहाँ से हमारा रूम स्टार्ट होता है, पहले इंटर मारते ही ये एक बेड है और ये डबल बेड है। हम लोग 4 लोग हैं तो एक नीचे गद्दा भी ले लिया, यहाँ पे ऐसे नॉर्मली शूज वूज उतार के रख दिया। टीवी है हमारे रूम में, यहाँ पे एक अलमीरा दे दिया हुआ है और ये दोनों हमारे बैग हैं, 2 टेबल दिया है वहाँ पे, एक ऑफिस का वर्क वगैरह करने के लिए वहाँ पे सारी चीज़ें दे दी हैं, पानी का वो एक डब्बा दे दिया हुआ है,
बाकी यहाँ पे बिल्लू सेट सोए हुए हैं, बदतमीजी की हद है। ये सब तो अपना सामान रखने के लिए, ठीक है। यहाँ पे एक मिरर दिया हुआ है, सिस्टम है मस्त। ये अपना टॉयलेट बाथरूम हो गया, ठीक है। टॉयलेट बाथरूम भी क्लीन ही है, अच्छा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इसमें भी मिरर दिया हुआ है, तो हर जगह अपने आप को निखार सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, समझ रहे हो। बाल्टी वगैरह भी है, सारी चीज़ें, सावर भी है, बाथरूम बड़ा है मतलब ऐसा। और उसके बाद इस तरफ जाएंगे तो अपने को एक मिल जाएगा गलियारा, ठीक है। यहाँ पे अपने को मिल जाएगा गलियारा, जहाँ से काफ़ी खूबसूरत वो नज़ारा दिखता है। अभी तो नाइट है तो दिख नहीं रहा है, सुबह उठ के आप लोगों को दिखाएंगे। बाकी अच्छा दिख रहा है यहाँ से, वो सामने अपने को होटल का जो खाना वाना खाने का एरिया है वहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। भाई बाहर गए थे, मैं गया बाहर तो ये अंदर आ गया, ठीक है। बाकी सब बढ़िया है, अभी मस्त लेटते हैं और आप लोगों को मिलते हैं शांति से कल सुबह। अभी बज चुका है 9:30, ठीक है, तो अभी सोने का टाइम हो चुका है, तो मिलते हैं अभी कल। आज का दिन यहीं पे करते हैं समाप्त।